हैकिंग हैकिंग हैकिंग, आपने ये सब थ्रेड बहुत ज्यादा सुना होगा। तो आज हम इसी के टॉपिक पे जो है आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस चीज से कैसे बच सकते हैं जो भी हैकिंग होती है। ठीक है, जैसे गूगल पे हो गया या पेटीएम हो गया या कोई बैंक से पैसा चोरी हो गया या फिर कुछ और आपका पर्सनल डाटा वो चोरी हो गया या आपकी ईमेल आईडी ही हैक हो गई। ठीक है, तो ईमेल आईडी हैक करने के बाद ही ये सारी प्रोसेस जो है की जाती है। तो हम इन सारी परेशानियों से कैसे बच सकते हैं फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी ईमेल आईडी को एकदम सिक्योर कैसे रखते हैं, किसी का बाप भी आपकी जो है ईमेल आईडी को हैक नहीं कर सकेगा, कितना भी बड़ा हैकर्स क्यों ना हो। इसके लिए जो है गूगल ने टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो चालू किया है, वो मैं लगभग कम से कम एक साल से यूज कर रहा हूं, तो उसके जरिए आपकी कभी भी कोई भी ईमेल आईडी जो हैक नहीं कर सकेगा। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो है हमें सेटिंग्स करनी है और ये आपको 100% कर लेनी चाहिए, इससे आप बहुत सिक्योर हो जाएगी, आपकी ईमेल आईडी कोई भी ओपन कभी भी नहीं कर सकेगा। तो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है राजीव कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल हेल्प चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड हम यहाँ पर आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर और चलते हैं अपनी जो है जीमेल आईडी पर। तो यहाँ से हमने जो है जीमेल का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लिया है। तो इस तरीके से हम जो है अपनी जीमेल आईडी में ओपन रहते हैं, यहाँ पर हम थ्री लाइंस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी जो है ईमेल आईडी दिखती है, या आपकी हो सकता है आपने जो है आपकी जो जीमेल ऐप्स है वो आपने इंस्टॉल किया है तो आपके सर्च का जो आइकन है इस जगह आपकी फोटो दिख रही होगी, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, आपको पहुँचना है सिंपली सेटिंग्स में, ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे और सेटिंग्स के ऑप्शन के बाद यहां पर आपको जो है मिल जाएगा आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहां पर आपको शो हो जाएगी। ये मेरी ईमेल आईडी है जो कि दिख रही है, मैंने ये इसको छुपा दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन मैनेज योर गूगल अकाउंट। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहां पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम पहुंचते हैं गूगल का जो स्पेशल ऐप्स है उसमें पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका सारा डाटा जो है शो हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा वो टू स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो यहाँ पर हम जो है साइट में चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है जो ऑप्शन है सिक्योरिटी का। ठीक है, तो आपको इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे जो ऑप्शन हैं आपके वो मिल जाएंगे, जैसे पासवर्ड यदि आपको चेंज करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे जब जाएंगे तो नीचे आप यहाँ पर रिकवरी फ़ोन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जो है अपना फ़ोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको फ़ोन नंबर यहाँ रिकवरी के लिए देना हो, रिकवरी का मतलब है जब भी आप अगर अपना पासवर्ड भूल जाएँ तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके जरिए आप जो है अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सारा डाटा और हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो ये ऑप्शन है स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पर हम आप क्लिक करेंगे। अभी आपका देखिए मेरा जो है ऑफ दिख रहा है, यानी कि बंद है टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसको हम चालू कैसे करेंगे, उससे पहले आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके पास हो, क्योंकि उसका जो है मैसेज आता है तो वो आपको होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा फिलहाल ये नंबर बंद हो चुका है इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी एक सीखने को मिल रहा है कि आप अपना नंबर भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको पहले आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, चलिए मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये मेरा सॉरी गलत पास, तो यहाँ पर हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पेंसिल वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो नंबर जो है वो डाल देना है। तो यहाँ पर मेरा एक नंबर जो है सिलेक्ट आ गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर यूज़ अनदर नंबर, तो यूज़ अनदर नंबर पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो क्लिक करके वो नंबर जो है डाल देना है जो भी आप डालना चाहें या आप नंबर चेंज करना चाहें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो नंबर डाला तो यहाँ पर जो है मेरा नंबर चेंज हो चुका है, मैंने फिलहाल ये हाइड कर दिया है, छुपा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैक जाते हैं, अब हमारा नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, अगर आपको नंबर चेंज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, मैं तो आपको सिर्फ टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में ही बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमें जो है ले जाता है इस जगह। तो यहाँ पर हमें अपनी जो ईमेल आईडी है वो हो जाती है, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड आ जाता है, तो आपको पासवर्ड डाल देना है। ठीक है,
तो यहाँ पर पासवर्ड डाल देने के बाद ये जो है इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर कुछ चेंज कर देना है तो अपडेट पर क्लिक कीजिएगा, और नहीं करना है तो आप डन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप डन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर इस तरीके से जो है आ जाता है। तो यहाँ पर आप इसको गेट स्टार्ट पर नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप ऊपर से अब नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ गेट स्टार्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए तैयार है। बस आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद एक बार नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन एकदम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप इसको ट्राई नाउ, तो आपको यहाँ पर जो है ट्राई नाउ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ट्राई नाउ पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर जो है एक वेरिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर यस कर देंगे इसको, ठीक है। यस करने के बाद और यहाँ पर ये जो है साइन इन और ये मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये मोबाइल नंबर कहता है कि इस पर आपको वेरिफिकेशन कोड किसके जरिए हम भेजें, मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा, तो आप जिसके भी जरिए जो है मंगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर कर देते कि हमें हमेशा मैसेज के द्वारा ही जो OTP है वो हमेशा आए, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज और सेंड पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप हमें वो मैसेज भेजेगा हमारे मोबाइल नंबर पर। तो ये जो है आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ से डाल देता हूँ 35,497, ठीक है, 35,497, ठीक है। तो ये डालने के बाद और हम जो है यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, ये हमारा जो है ऑन हो चुका है, ठीक है। हम इस पर टर्न ऑन पर क्लिक कर देंगे, और जैसे हमने टर्न ऑन पर क्लिक किया तो ये हमारा जो है तैयार है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे ही बैक जाते हैं, इस तरीके से हम बैक जाते हैं, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टर्न ऑफ लिखा था, वहाँ पर हमारा जो है टर्न ऑन आ जाएगा। यहाँ पर हम एक बार इसको रिस्टोर कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जो भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड, कितने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।